वंदे मातरम। आप सबके प्रणाम करे छे बेगूसराय के नौलखा मंदिर में विराजमान प्रभु श्री राम और माता मंगलम को कोटि कोटि प्रणाम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोकप्रिय प्रत्याशी माननीय श्री गिरिराज सिंह जी, माननीय सांसद श्री विवेक ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री राजीव वर्मा जी, जिला अध्यक्ष जदयू श्री रुदव राय जी, मंत्रीगण माननीय मंत्री श्री सुरेंद्र मेहता जी, हरी सानी जी, माननीय विधायक कुंदन कुमार जी, रजनीश कुमार जी, राजकुमार सिंह जी, ललन कुमार जी, प्रेम पासवान जी और भारतीय जनता पार्टी जदयू और सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारी और नेतागण, उपस्थित बहनों और भाइयों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी बहनों और भाइयों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन धरा से आप सबका अभिनंदन करने के लिए यहां पर आया हूं। और इसलिए मैं आया हूं क्योंकि 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या में प्रभु श्री राम लला फिर से विराजमान हुए हैं। स्वाभाविक रूप से माँ जानकी के मायके के नाते सर्वाधिक खुशी आप लोगों को हुई है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में प्रभु राम के विराजमान होने का मामला हो या फिर भारत का दुनिया के अंदर सम्मान दिलाने का कार्य, भारत की सुरक्षा को पुख्ता करने का कार्य हो या भारत के अंदर आतंकवाद और नक्सलवाद की समस्या का स्थायी समाधान, विकास के बड़े बड़े कार्य देखने हो, तो यहाँ पे गिरिराज जी का करिश्मा भी आपने देखा कि परोनी का बंद कारखाना, 20 वर्षों से बंद कारखाना फिर से चालू हुआ और यहाँ की रिफाइनरी भी आज इसका विस्तार इस रूप में कर दिया गया कि नए रूप में आपके सामने आई है। बहनों और भाइयों, रेलवे का हो, हाईवे का हो या फिर हर घर नल की योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याणकारी योजनाओं के रूप में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन करा रही है, तो नए भारत का नया बिहार भी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? नए भारत का नया बिहार आप देख रहे होंगे, आपने देखा होगा। बहनों और भाइयों, जब कांग्रेस और आरजेडी की सरकार थी तब आतंकी घटनाएं घटित होती थी और जब आतंकवाद पर कार्रवाई करने की बात होती थी, ये लोग क्या कहते थे? कहते थे आतंकवाद सीमा पार से है, एक ही बहाना होता था, सीमा पार से आतंकवाद। बहनों और भाइयों, आज सीमा पार से आतंकवाद नहीं, आज तो कोई जोर से पटाखा भी फट जाए ना तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता कि मेरा हाथ नहीं है। जब मजबूत सरकार होती है तो ऐसे ही दुश्मन अपनी औकात पे रहते हैं, जब मजबूर सरकार होती है तो आतंकवाद सिर चढ़ करके बोलता है।
आज मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार है। उस सरकार ने सुरक्षा भी दिया है, सम्मान भी दिया है, विकास भी कराया है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी दिलाया है और आपकी आस्था को भी सम्मान दिलाया है। अयोध्या में प्रभु राम लला फिर से विराजमान हो गए हैं। काशी में आप जाएंगे तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन आपको फिर नए रूप में देखने को मिलेगा। मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए भी कार्य हुआ है। तो जदयू और बीजेपी की सरकार बिहार के अंदर बाढ़ की समस्या का स्थायी समाधान के लिए भी निरंतर कार्य कर रही है। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आज अपने सहयोगी दल जदयू, लोजपा और अपने अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर के इस चुनाव में इसलिए आई है कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में हमने एक आधार तैयार किया है विकसित भारत का। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए एक बार फिर से मोदी जी को देश की कमान सौंपने की आवश्यकता है। अब तक 3 चरणों के चुनाव हुए हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, 80 लोकसभा सीट है और हमने तो तय किया उत्तर प्रदेश वासियों ने कि 80 की 80 लोकसभा सीट पर कमल खिलाएंगे मोदी जी को। 80 की 80 मोदी जी के गले में पहनाएंगे। और मैं अब तक कह सकता हूं कि कई राज्यों में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ। एक ही स्वर गूंज रहा है और वह है फिर एक बार अब की बार 400 पार। तो 400 पार के साथ साथ लोग एक और बात कहते हैं कि 400 पार इसलिए क्योंकि जो राम को लाए हैं, और इतना तो बहनों और भाइयों बात स्पष्ट हो चुका है, राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में चुनाव जा चुका है। जो राम भक्त है आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना के लिए कार्य कर रहे हैं, सबका साथ और सबके विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। जो राम द्रोही है उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है, आप देख रहे होंगे, उनका पाकिस्तान प्रेम जग रहा है। राम भक्तों पर गोली चलाते हैं और बहन और भाइयों किसी माफिया के मरने पर मातम मनाते हैं। ये लोग राम भक्तों पर गोली चलाने वाले लोग रामद्रोही क्या सत्ता में जाएंगे क्या? क्या इनको जाने का अधिकार होना चाहिए क्या? बहन और भाइयों, बिहार में लालू जी के नेतृत्व में कांग्रेस और लालू जी के राज में बिहार में अराजकता चरम पर पहुंची थी। नक्सलवाद और आतंकवाद सिर चढ़ करके बोल रहा था, गुंडागर्दी चरम पर थी। और लालू जी आज भी जब भारत डिजिटल युग में प्रवेश कर चुका है तब भी लालटेन युग में आपको ले जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाना चाहते हैं क्या? लालटेन युग में जाएगा बिहार क्या? अब तो डिजिटल युग में जाना है और हम उस डिजिटल युग में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए नए भारत का नया बिहार बनाना है और आत्मनिर्भर और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करना है। और इसी के लिए आज मैं आपके पास बेगूसराय की इस पावन धरा पर आया हूं। महान साहित्यकार रामधारी सिंह दिनकर की पावन धरा है, मां गंगा का आशीर्वाद भी है और साहित्य की देवी, ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती जिनके स्वर में गूंजती थी, ऐसे महान कवि की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन भी कर लो और आपका आह्वान भी कर लो। देखो आपके द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, आपका सांसद विकास भी कराया और बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके, बिना झुके विकास भी कराया और मूल्य और आदर्शों के साथ आपके लिए लड़ता भी रहा, हर मंच पर लड़ता रहा, कार्य करता रहा।
ऐसे प्रतिनिधि बार बार चुने जाने चाहिए, चुने जाने चाहिए कि नहीं चुने जाने चाहिए, चुने जाएंगे ना बहनों और भाइयों। चुनाव के दौरान जनप्रतिनिधि से ये उम्मीद करना कि घर घर जाए, संसदीय क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बहुत कठिन होता है, क्योंकि वे प्रदेश के देश के बड़े नेता हैं, कई जगह उनको जाना होता है। इसलिए मेरी आपसे अपील होगी कि मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर और स्वयं गिरिराज सिंह बनकर के घर घर जाकर के घर घर जाइए, देश को बचाने के लिए आगे आइए। एक कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन भारत के विभाजन की नींव तैयार कर रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण पर सेंध लगाने की तैयारी कर रहा है और यह छूट इनको कतई मत देना, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धार्मिक आधार पर हिंदुस्तान में आरक्षण नहीं हो सकता है और यह आरक्षण हमें धार्मिक आधार पर नहीं होने देना चाहिए। लालू जी के स्वर पर फूटी पड़े हैं कि सभी मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। अगर ओबीसी का आरक्षण आप उनको दे देंगे तो फिर हमारा ओबीसी कहां जाएगा, कहां जाएगा? और कांग्रेस ने एससी के आरक्षण को राजेंद्र सच्चर कमेटी बनाकर के पहले ही सेंध लगाने की शुरुआत की थी। बहनों और भाइयों, इनकी साजिश को सफल नहीं होने देना है। और दूसरा महान पाप कांग्रेस क्या करने जा रही है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि अगर वो सत्ता में आएगी तो सत्ता में आने पे अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार उनको खान पान की स्वतंत्रता देगी। बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है जो अल्पसंख्यकों को रुचिकर लगता और बहुसंख्यकों को नापसंद हो? भाई सत्तू तो सभी खाते हैं, बाटी चोखा भी सभी खाते हैं, लेकिन एक में है हमारा बहुसंख्यक समाज कहता हम गौ मांस नहीं खाएंगे, गौ हत्या भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसको स्वीकार करेंगे क्या कांग्रेस की मंशा को, क्या आरजेडी की मंशा स्वीकार होगी? बहनों और भाइयों, नहीं होगी। तो इस पाप के लिए इनको माफ भी मत करना, इनको माफ भी नहीं करना। जो लोग रामद्रोही हैं, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान को धार्मिक आधार पर बांटना चाहते हैं, जिन लोगों ने आपको विकास से वंचित किया, जो लोग बिहार में अराजकता के कारण थे, ये चुनाव उनकी जमानत को जब्त करने का एक माध्यम बनना चाहिए। सहमत है? सहमत है? तो हम आश्वस्त होकर के मैं मोदी जी को बताऊं कि बेगूसराय से गिरिराज सिंह की भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे, जाएंगे ना? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मां भारती के ऐसे सपूत उठाकर और अपने बीच बेगूसराय की धराधाम पर हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आदरणीय गिरिराज जी से आग्रह है कि वह बिहट के बड़ी दुर्गा माता का तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को वह भेंट करें और यह प्रतीक चिन्ह हमारे संस्कृति की बेगूसराय की वह भेंट स्वरूप हमको दें। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धन्यवाद। Thank you.